तेरा पता लेके भाग गई। अरे बस जा रही है, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी, टिकट टिकट। मेरा बैग किसी ने काट दिया। बैग चोरी हो गया? नहीं, कटा हुआ है। स्टॉप द बस। चोरी कर लिया? नहीं, कट किया। अरे कैसा देश है ये अपना, है? नयनतारा और नमिता का मंदिर बनाने वाला अपना ये देश, ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखने वाला अपना ये देश, आइटम सॉन्ग पर 100 रुपए खर्च करके मजे लेने वाला अपना ये देश, ऐसे ही देश में दिन दहाड़े एक खूबसूरत लड़की का फुल बस में बैग चोरी हो जाता है। कट किया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी की आँख से काजल चुरा लेना। और इस बस में जो शरीफ दिख रहे हैं शायद उनमें से कोई ना कोई तो है जिसने चोरी की है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बताओ इनमें से तुम्हें किस में शक है? उसकी तो हमारे ऊपर ही है। बात हीरो जैसी कर रहे हो और काम चोरों जैसे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मुझे मरने का मन कर रहा है। इतना बड़ा अपमान, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया हो। बड़ी बड़ी बातें मैं जा रहा हूँ। पर्स क्या है? पहले देखे जा। कहाँ जाओगे? क्यों? अबे पहले पर्स दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना। ये लो रखो तुम्हारा बैग। चलो साइड, तो मुझे जाना है। इतनी जोर से क्यों मारा? अभी तो इन लोगों ने इतना मार दिया, फिर तुमने क्यों मारा? ये कट किया इसलिए और ये चुराने के लिए। लगता है यहाँ सब चोर ही भरे पड़े हुए हैं। वो देखो एक और चोर। चुप हो जाइए, मैं चोर नहीं हूँ। रंगा। अरे बंगा राजा, अच्छा हुआ तू मिल गया। तुझसे मिलके तो सालों हो गए यार। कैसा है तू? ये क्या देख रहा हूँ, तू तो एकदम चिकना हो गया है। हाँ यार, जस्ट अभी भी फेशियल हुआ मेरा। अच्छा तो वही पुराना धंधा चालू है तेरा? क्या करूँ यार, माँ बाप के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, वही तो सीखा। अच्छा ये बता, महीने का कितना कमा लेता? वो क्या है ना, ब्लेड का खर्च और पुलिस का कमीशन निकाल के करीब 50,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है। क्या है कि उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है और तुझे तो वो भी नहीं। नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मुझे जाने दो। के डर से नहीं, भागने के डर से रोका। ए बस को पुलिस स्टेशन लेके चलो। पैसे दीजिए। ओ सॉरी। मैं तो एड्रेस ढूंढ। ओ मैडम, मुझे जाना है यार। क्या अर्जेंट है क्या भाई? बहुत ही अर्जेंट है। तो फिर ऐसा बोलो ना भाई। अरे बाप रे, सॉरी, इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे मैडम रुकिए, मेरे पैसे। हेलो। क्या बात है यार, तुम दोनों का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बिछड़े में लवर्स मिल गए हो। हेलो, तुम लोग अपना प्यार का खेल बाद में खेलते रहना, पहले पैसे दो। सॉरी, I'm so sorry, मैं आपको चोर समझ बैठी। अरे अरे क्या कह रही हैं आप जैसी खूबसूरत लड़की का भी बैग चुराते हैं। गलत मत बोल यार, तुझे पता है ना चोर कभी लोगों को देखता नहीं है, उसकी नजर तो सिर्फ पर्स पर होती, क्यों है ना। ओके यार, आज का कोटा पूरा हो गया, मैं चलता हूँ, तू संभाल लेना। फ्रेंड है क्या? हाँ बहुत ही पुराना फ्रेंड है। अरे मेरा पर्स चुरा के ले गया। कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। मैडम जरा ये एड्रेस बता सकती हैं? बताना क्या, मैं आपको छोड़ ही आती हूँ, चलिए। ये लीजिए, ये तो यही पर है। यही है ना? शोरूम तो अच्छा है। और मेरी दाई आग भी फड़क रही है, शायद लाइफ में अच्छा ट्विस्ट आने वाला है। क्या है? शोरूम के बाहर खड़ा रहेगा तो मेरे स्टूडेंट को मारोगे क्या? मारूंगा ही ना, ये वोल्वो कार है, चिंदी चोरों के देखने की कार नहीं है। क्या कहा? चिंदी चोर? मेरे स्टूडेंट को चिंदी चोर कहा? तू ही चिंदी चोर है, तू ही चिंदी चोर है, बेवकूफ। इसकी तो ए, उस बुढ़िया को पकड़ो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते मैंने आपसे नहीं कहा, इनसे कहा। इनको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते कहने का मन करता है, और आप हैं कि इन पर हाथ उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कौन है बे तू? मुझे सिखा रहा है?
चुपचाप देखते जाओ। स्कूल में कंचे ले जाते हो? उसे मार बोला तो मुझे मारे तो दिख नहीं रहा। मुझे गुस्सा नहीं आता माँ जी, वो लोग गुस्से में हैं और इस तरह गुस्सा निकालने से उन्हें शांति मिलती है। मसाज कर रहा है क्या? सर के ऊपर मार। और एक छेद बना दिया। अबे कौन है? मेरा नाम बंगा राजा है। नारद राव जी ने आपके पास जॉब के लिए भेजा था। मैं नहीं दूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। जहाँ औरतों की और बच्चों की इज्जत नहीं होती, वहाँ का पानी भी हराम है। चलिए माँ जी। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। सच में माँ जी? तो बाद में याद कर लीजिए, अभी चलते हैं। अबे नारद, तूने किसे भेजा? ये कैंडिडेट है या एक्सीडेंट है? कौवे ने दाई ओर किया, मतलब कुछ तो हुआ है। बाय टीचर। अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। जेब में पैसे नहीं है माँ जी, फिर भी मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं अनाथ नहीं हूँ। वो कैसे? मेहनत करने वाला कोई भी शख्स गरीब नहीं होता, और वैसे आप जैसे अच्छे लोग मुझे बेटे जैसा माने तो फिर मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, मेरे बड़े बेटे की। बड़े बेटे की? उसकी आदतें भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी। तो फिर छोटा कहाँ? आ जाओ छोटे। माँ, भाई आ गया है। ये कौन है? भाई माँ को बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हें भी थैंक्स छोटे। मुझे क्यों? तुमने भाई बना दिया और माँ ने मुझे बेटा मान लिया। सुन, इसके लिए भी कोई अच्छा सा जॉब देख। कहीं और क्यों? अपने ही स्टोर में सेल्स का जॉब है ना? सेल्स नहीं, वो मुझ जैसा बैल नहीं कर पाएगा। तो फिर कैश काउंटर देख लो। मुझे हिसाब किताब से नफरत है, वो काम मुझसे नहीं होगा। मैनेजर? नो थैंक्स। बात यह है कि कुछ कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं, जैसे किसी के अंडर में काम करना। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। कड़वा निकला, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मैंने सोचा था तू मेरे बड़े बेटे जैसा है, लेकिन ये सोचने में शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी माँ। अगर इसके जरिए मुझे नौकरी मिले और कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसका नाम खराब हो जाएगा। मैं जहां भी काम करता हूं, वहां ना चाहते हुए भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है और काफी नुकसान हो जाता है। मेरे कारण आप लोगों को कोई तकलीफ हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ऐसी बात कही। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम्हारी वजह से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा।